हेलो गाइस, आज की वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूँ एक वीडियो एडिटर के बारे में, जिसे आप मोबाइल से भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन के लिए जो आपका बेस्ट एडिटर, वीडियो एडिटर है, उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस रिकॉर्डर के बारे में बता रहा हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष आर्यन और आप देख रहे हैं टेक फॉर टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं जिस रिकॉर्डर के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है काइन मास्टर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे काइन मास्टर ऊपर डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो चलिए हम इसे ऑन कर लेते हैं। तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। अगर आपको इसका प्रीमियम चाहिए तो नीचे हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। आप वहाँ उस पर जाके एक बार मैसेज कीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो मैं वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो चुका है। वैसे तो ये इसका होम ये है, आपके पास डायरेक्ट ऐसा वाला इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ इस जगह देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। आज मैं सिर्फ आपको इसका बटन्स के यूजेस बताने वाला हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊँगा। वीडियो एडिट आज मैं नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो एडिटिंग पे ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, मैं उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो मैं इसका आपको कुछ कुछ बटन्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले बटन में यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडिया का ऑप्शन है। तो यहाँ से मुझे एक बैकग्राउंड लेना पड़ेगा, तो मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ से आपको कुछ भी एक रेंडम बैकग्राउंड ले लेते हैं। ये मेरा बैकग्राउंड आ चुका है। आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से आउट भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन खुल चुका है, जो कि तो अभी तक में नहीं था, अब खुल गया है। तो ये लेयर का ऑप्शन है, यहाँ से आप लेयर लेंगे। आपको इसके ऊपर कुछ भी अगर वीडियो डालना है तो आप यहाँ से क्लिक करने के बाद आप यहाँ से लेयर ले सकते हैं। आपको कोई भी एक वीडियो लेना है तो आप यहाँ से, लाइक मैं इसको फ़ोटो को ले लेता हूँ। तो ये फ़ोटो हमारा आ चुका है। तो ये इसके ऊपर में लेयर बना हुआ है, ये अलग से लेयर है। और ये जो आपका ये बैकग्राउंड है, ये वाला बैकग्राउंड है, और ये आपका लेयर है। तो ये लेयर यहाँ से आता है, इसके ऊपर आप इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन है। लाइक आपको अगर चेहरा ब्लर करना हो किसी का, तो आप यहाँ से ब्लर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लर कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका फेस को ब्लर कर दिया। अगर ब्लर का आप ज़्यादा ब्लर करना चाहते हैं तो उसका भी सेटिंग से जाके आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। मैं आज वो नहीं दिखा रहा। तो इसके ऊपर आप इस तरह से ब्लर लगा सकते हैं। और इसको डिलीट करना हो आपको यहाँ से, तो आप यहाँ से डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे इस जगह पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। आपको जितना लेयर डिलीट करना हो एक एक करके सारे लेयर को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लेयर पे फिर जाते हैं तो यहाँ से स्टिकर का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पे बहुत सारा स्टिकर है, आपको जो मर्जी वो यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से जितना मर्जी उतना स्टिकर आप यूज़ कर सकते हैं। फिर लेयर पे जाएंगे तो आपको इस पर टेक्स्ट का ऑप्शन है। अगर आपको कुछ लिखना हो, कुछ भी एनीथिंग लिखना हो, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यह फॉन्ट है, देख सकते हैं। इस तरह से आप इजीली टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। फिर लेयर पे जाएंगे तो यहाँ पे हैंड राइटिंग का ऑप्शन है, जिसके मदद से आप यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, हैंड से ड्रॉ कर सकते हैं। आपको इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ से ये रबर है, रबर सेलेक्ट करके आप इसे मिटा सकते हैं। अगर आपको पूरे को मिटाना है तो आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये पूरे को मिटा देगा। यहाँ से आप इसका भी कलर साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं रबर का। उसके बाद आप यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं REC लिखा हुआ है, ये वाला रिकॉर्ड का ऑप्शन है। ये आप ओवर वॉइस देने के लिए इसको दिया गया है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो के ऊपर में एक्स्ट्रा वॉइस देना है तो आप इसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओवर वॉइस आप दे सकते हैं, परमिशन सिर्फ दे। उसके बाद ये है ऑडियो। अगर आपको ऑडियो डालना हो तो आप यहाँ से ऑडियो भी इजीली डाल सकेंगे। यहाँ से आप कोई भी एक ऑडियो लेंगे और ऑडियो को डाल देंगे। तो इस तरह से बहुत ईजिली आप इसमें हर कुछ डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका अंडो बटन है, इससे आप अंडो कर सकते हैं, इससे अंडो होता है। और ये आपका रीडो बटन है, अंडो करने के बाद अगर रीडो करना हो तो रीडो कर सकते हैं। ये और ये जो आप देख सकते हैं ऑप्शन, इस पर आपका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो जो भी प्रोग्राम चल रहा होगा वहाँ पे, प्रोजेक्ट जो भी काम कर रहे होंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। या स्क्रीनशॉट लेके आपको एक क्लियर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक बैकग्राउंड अलग से ऐड हो जाएगा। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड एक अलग से सेट हो गया। इसके ऊपर ये लेयर ही एक अलग ही बैकग्राउंड बन गया। यहाँ पे तो इतना सारा लेयर था, अब यहाँ पे ये टोटल को मिला के एक एक्स्ट्रा सा बैकग्राउंड बन गया है। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप वॉल्यूम को कम बेसी कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका लेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही आपका लेयर जितना सारा होगा यहाँ पर शो करने लगेगा एक लाइन से। फिर दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये लेयर हट जाएगा।
और ये आपका है एक क्लिप से दूसरी क्लिप पे जाने के लिए, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये आपका एक क्लिप से दूसरी क्लिप पे जाने के लिए है। लेकिन मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो दूसरे क्लिप पे आ गया, और फिर से करेंगे तो ये लास्ट के वहाँ पे चला जाएगा। इससे आगे कुछ नहीं है तो ये आगे नहीं जाएगा। अगर आगे और भी कुछ होता, अगर लंबा क्लिप होता, मुझे एक बार में लास्ट में जाना हो, तो इससे क्लिक करके आप एक बार में पीछे तक जा सकते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये आपका स्टोर के लिए, आपको कुछ परचेस करना है कैनमास्टर के ऐप स्टोर से, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बहुत कुछ परचेस कर सकते हैं। यहाँ परचेस करने का ऑप्शन है, बहुत कुछ यहाँ से ले सकते हैं। और इस बटन को दबाने से आपका वीडियो प्ले होता है, आपका जो वो प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं उसे अगर देखना है चला के, तो इसको दबा के आप चला के देख सकते हैं वीडियो आपको कैसा बना है। उसके बाद अगर आप इस लेयर पे जाएंगे, यहाँ पर से आपको बहुत सारा सेटिंग करने का ऑप्शन मिलता है। अलग है इसको काटने के लिए ये है, यहाँ से अगर इसको लेयर को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं, इसको स्क्रीन में फिट करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए स्क्रीन में फिट हो गया। आप यहाँ से आधा स्क्रीन पर भी रख सकते हैं, एक साइड में भी रख सकते हैं, अदर साइड में रख सकते हैं, इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। अगर आपको इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। और इसमें प्लस पॉइंट क्या है, जो अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो ये क्रोमा की का ऑप्शन आपको ओपन मिलेगा। इस अगर आपका प्रीमियम नहीं होगा तो ये क्रोमा की आपका काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं इस बैकग्राउंड के अगर चेंज करना चाहूँगा तो मैं इजीली इसको चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिप पे जाऊँगा और इसका बैकग्राउंड में मैं वाइट कर दूंगा, उसके बाद ओके दबा दूंगा। उसके बाद तो आप देख सकते हैं ये पूरा सब कुछ मिट गया है, वाइट की वजह से सब मिट गया। तो इस तरह से आप क्रोमा की भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैजिक रिमूवर भी है। मैं कोई और दूसरा लेयर ले लेता हूँ, आपको मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो मैजिक रिमूवर से आप देख सकते हैं इजीली इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, चाहे वो किसी भी रंग का हो। अगर आपको बैकग्राउंड उड़ाना हो, डिलीट करना हो आपके पीछे से, तो आप जस्ट मैजिक रिमूवर ऑन करेंगे और ये बैकग्राउंड उड़ जाएगा। तो ये आपका प्लस मेंबरशिप में ही मिलेगा, यानी कि प्रीमियम मेंबरशिप होगा तो ही मिलेगा। तो अगर आपको इसका प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए तो नीचे हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप उस पर जाकर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें, वहाँ पर एक मैसेज कर देंगे। आप सिर्फ एक बार हाई लिखेंगे तो मैं आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।